नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा जो लाल किले से झूठ बोले उसे एक भी वोट ना देना। संगठन को मजबूत करने में जुटी आप जिलाध्यक्ष ने किया संगठन का विस्तार, 18 नए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी गई। जर्जर मकानों से घिरा बांके बिहारी मंदिर, कदम कदम पर खतरा, कुंज गलियों में 15 साल से बड़े 6 हादसे, लाल निशान वाले घरों की रिपेयरिंग तक नहीं होती। गोरखपुर गीता प्रेस का होगा विस्तार, गीडा में 20 एकड़ में बनेगा गीता प्रेस, 5 करोड़ की लगेगी हाईटेक मशीन, एक ही मशीन से पूरा प्रोडक्शन। पूर्वांचल में नक्सली संगठनों के लिए भर्ती 5 अरेस्ट, सीपीआई माओवादी युवाओं का ब्रेन वॉश कर आपराधिक घटनाओं को दिलाते थे अंजाम। घोसी में सपा प्रत्याशी के नामांकन में पुलिस से झड़प, जिलाध्यक्ष को अंदर जाने से रोका तो भड़के, दरोगा ने हाथ जोड़कर शांत कराया। बाबरी की तरह निषाद राज के किले से मस्जिद हटवाए, मंत्री संजय निषाद बोली जहां भगवान राम ने विश्राम किया था वहां हरा झंडा लहरा रहा है। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव को खुला चैलेंज, कहा अगर सैफई नहीं पहुंचा दिया तो अपने मां बाप की औलाद नहीं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति का बढ़ा कार्यकाल, प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य का कार्यकाल बढ़ाते हुए पुनः नियमित रूप से किया गया नियुक्त। मुरादाबाद में बीजेपी नेता अनुज चौधरी हत्याकांड के सुलझी गुत्थी, शूटरों को दी गई थी 30 लाख की सुपारी, चुनावी रंजिश और छात्र संघ की लड़ाई थी। अलीगढ़ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स ने की हड़ताल, इमरजेंसी में सभी सेवाएं ठप, मरीजों को हो रही है परेशानी। अमरोहा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान को दी गई श्रद्धांजलि, पूर्व विधायक संगीता चेतन रही मौजूद। औरैया में 5 जियो की लाइन टूटने में व्यापारियों में आक्रोश है, व्यापारियों का कहना है न लाइन टूटनी होती, सड़क पर कोई ना कोई हादसा हो जाता है। गाजियाबाद में पीएफ और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, बस में तस्करी के लिए तोतो और कछुआ को लुचाया जा रहा था, कौशाम्बी बस अड्डे से बरामद कर लिए गए। गाजियाबाद में बिल्डर्स की मनमानी से रेजिडेंट्स काफी परेशान है, सोसाइटियों में मेंटेनेंस चार्ज और बिजली की समस्या को लेकर बिल्डर के खिलाफ लामबंद। हरदोई पुलिस ने कलर लैब में हुई चोरी का खुलासा किया, चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई में निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की हुई मौत, परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाकर काटा हंगामा। कानपुर में एक शाम शहीदों के नाम का कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर रोहित सक्सेना रहे मौजूद। कासगंज में दबंग युवक ने मासूम की प्राइवेट पार्ट में मारी लात, युवक की दबंगई से मोहल्ले वासियों ने साधी चुप्पी, पीड़ित की मां ने कोतवाली में दी तहरीर। मुरादाबाद में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, हादसे के बाद परिजनों ने लगाया मार्ग पर जाम, पुलिस से भी नोकझोंक हुई। दिल्ली
पीलीभीत में किसान की 15 एकड़ फसल बर्बाद, गलत दवाई से चली किसान की फसल, दुकानदार पर गलत दवाई देने का आरोप है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का रायबरेली में किया गया भव्य स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे चित्रकूट। कानपुर में थिएटर का एसी खराब होने पर विवाद, शिकायत पर शिकायतकर्ता से की गई मारपीट, मारपीट में कई लोगों को चोटें आई हैं। कानपुर में जमीन पर कब्जे के झगड़े में एक शख्स की मौत हो गई, पीड़ित खुद ही शिकायत लेकर पहुंचा था थाने, पुलिस पर कथित तौर पर पीटने का आरोप लगा है। कुशीनगर में घर में घुसकर चोरों ने 5 लाख से अधिक की चोरी की है, लाखों का सामान चोरी होने से परिजन परेशान है। एससीईआरटी कार्यालय पर प्रधानाध्यापकों का प्रदर्शन, रोजगार और बेरोजगार का एक साथ एससीईआरटी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है। लखनऊ में छत पर सो रहे गार्ड की गला रेतकर हत्या, पुलिस ने परिजन की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। मऊ के घोसी उपचुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, अखिलेश यादव, आजम खान, शिवपाल समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। कानपुर कोर्ट में पेश हुए सपा एमएलए इरफान सोलंकी, बोले अल्लाह मेरा वकील है, इंसाफ होगा, इरफान समेत 5 आरोपियों के दर्ज होंगे बयान। हापुड़ में लड़की ने बीच गांव युवक चप्पली मारी है, पंचायत का फरमान, लड़के पर अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप है। राम मंदिर की लेटेस्ट तस्वीरें आई सामने, पहले तल पर 10 फीट ऊंचे पिलर बनाकर तैयार हुए, अब छत ढाली जाएगी। श्रावस्ती में युवक को न्यूट करके पीटा, दबंगों ने अननोन नंबर से कॉल कर बुलाया, फिर घेर कर बरसाए डंडे, बे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा युवक। वाराणसी में Y20 सम्मेलन का आगाज, 20 देशों के 125 युवा पहुंचे, काशी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया गया स्वागत। मेरठ में खिलाड़ी ने ससुर पर लगाए दुष्कर्म के आरोप, बीएसएफ में कांस्टेबल है पीड़िता, पुलिस से बोली ससुर करता है गंदा काम। सरयू खतरे के निशान से 49 सेंटीमीटर ऊपर, अयोध्या में 7 साल का रिकॉर्ड टूटा, साल 2016 में 93.221 सेंटीमीटर पहुंचा था जलस्तर। हापुड़ में एसपी ने 2 सिपाहियों को रिश्वत लेते पकड़ा, खराब पड़े ट्रक से नारियल पलटवाने के नाम पर मांगे थे 25,000 रुपए, 9,000 बरामद कर लिए गए। बरेली में ससुराल वालों ने विवाहिता को पीटा, जमीन पर गिराकर बाल खींचे, थप्पड़ मारे, जांच में जुटी पुलिस। बांदा में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले जिस दल से हमारा आपका मुकाबला है वो भगवान की कसम खाकर झूठ बोलते हैं। छह वर्ष में 40 शिक्षकों का अभिलेख नहीं जांच पाई एसटीएफ, 5 वर्ष पहले मुहैया कराए गए अभिलेख फर्जी नियुक्त, शिक्षकों की होनी है गोपनीय जांच। कन्नौज में तिरवा तहसील में वकीलों ने खोला मोर्चा, 3 दिन तक हड़ताल पर रहने का ऐलान, फाइलें गायब होने से नाराजगी है। वेस्ट यूपी में अब मेहंदी जिहाद, मुस्लिम लड़कों से मेहंदी न लगवाने का सोशल मीडिया पर कैंपेन, आरएसएस के विंग लगवाएगी मेहंदी शिविर।
औरैया में तेज रफ्तार ऑटो ने बुजुर्ग को रौंदा, मौके पर हुई मौत। लोगों ने दौड़ाए तो ऑटो छोड़कर फरार हुआ चालक, तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर में स्कूली वाहन से कुचलकर मासूम की मौत, उतरते समय ड्राइवर ने बढ़ा दी वैन, लड़खड़ाकर गिर गई बच्ची। सीतापुर में 18 एकड़ नजूल की भूमि जब्त, 650 करोड़ की जमीन पर बंद पड़ा था मशीनरी स्कूल, जिला अस्पताल बनने का है प्रस्ताव। असद गुलाम एनकाउंटर की जांच करने झांसी पहुंची टीम, न्यायिक आयोग की 2 सदस्यीय टीम के सामने कोई भी दर्ज करा सकता है बयान। जालौन में गन्ना किसानों का प्रदर्शन, लोकदल के कार्यकर्ताओं ने की बकाया भुगतान की मांग, बोले आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं किसान। ग्रेटर नोएडा में कमरे में मिला महिला का शव, बदबू आने पर हुई जानकारी, 11 तारीख को गाजियाबाद से लापता हुई थी महिला। कौशाम्बी में चॉकलेट खाकर 4 बच्चियों की हालत बिगड़ी, सुबह बिस्तर के पास पड़ी मिली थी चॉकलेट, जिला अस्पताल रेफर। श्रावस्ती में विजिलेंस टीम को ग्रामीणों ने घेरा, भीषण गर्मी में बिजली कटौती के बीच छापा मारने पहुंची थी टीम, बैरंग लौटी। बागपत में ऑपरेशन दृष्टि के तहत लगे कैमरे, 60 जगह पर लगाए गए कैमरे, क्राइम कंट्रोल और अपराधियों पर कसेगी नकेल। कानपुर में थाने में युवक की पीट पीट कर हत्या, दरोगा समेत 5 पर केस, रात 1 बजे तक हंगामा, दर्ज की गई एफआईआर, 200 गज प्लॉट विवाद थाने में ले गई थी पुलिस। लोधी वोट बैंक की सेंधमारी में जुटे अखिलेश, अवंती बाई की जयंती मनाई, विधानसभा में 22 विधायक इसी समाज से आते हैं, 25 सीट पर दबदबा। अतीक के बेटों का बयान दर्ज करेगी पुलिस, प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर से मांगी थी 5 करोड़ की रंगदारी, पुलिस ने कोर्ट में दी अर्जी। अलीगढ़ में बच्चों के सामने पत्नी को मारी गोली, रोरावर थाने के सरस्वती बिहार की घटना, पत्नी से बातचीत के दौरान हुई थी कासुनी। चित्रकूट में किशोरी के साथ गैंगरेप, गर्भवती हुई नाबालिग, पिता बोली युवक ने दोस्तों के साथ गलत काम किया, पिता को मारने की धमकी देता है। वाराणसी में मामूली विवाद में चाकू मारकर किशोर की हत्या, फूलपुर के बरहवी नेवादा में मामूली झगड़े में चाकू मारा, कई थानों की फोर्स तैनात की गई। शाहजहांपुर में कांग्रेस नेता के घर विजिलेंस टीम की छापेमारी, 1 किलो वाट के कनेक्शन पर चला रही एसी, बोले बकाया बिल निकाल दी। प्रयागराज में अज्ञात वाहन की टक्कर से टैक्सी पलटी, शिक्षिका समेत 2 की मौत, टैक्सी में बैठकर स्कूल जा रही थी। बनारस क्लब जिम में महिला का वीडियो वायरल, कमिश्नर ने क्लब के सदस्य को निलंबित किया, 6 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई। बांदा में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण, अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। बुलंदशहर में रेप के बाद अश्लील फोटो की वायरल, आरोपी पत्नी से सिलाई सीखने आती थी किशोरी, दरिंदगी के बाद खींच लिए थे फोटो, मुकदमा दर्ज। उन्नाव में होगी डेंगू मरीजों की जांच, शासन ने डेंगू की जांच के लिए मैक एलाइजा मशीन कराया उपलब्ध, 24 घंटे में मिलेगी रिपोर्ट।
फर्रुखाबाद में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर परेशान करने का लगाया आरोप। 3 साल पहले हुई थी शादी। मुजफ्फरनगर कोर्ट में हुई रामपुर तिराहा कांड पर गवाही। कंट्रोल ऑफिस में तैनात रहे पुलिसकर्मियों ने घटना के दौरान सूचनाओं का किया आदान प्रदान। मथुरा हादसे में डीएम ने 3 सदस्य बनाई जांच समिति। नगर निगम के जेई ने कराई मकान मालिक भाइयों के खिलाफ FIR। हाथरस में अमृत सरोवर पर हुआ पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। पर्यावरण की शुद्धता हमारे जीवन में बेहद आवश्यक। चलाया गया बृहद वृक्षारोपण अभियान। मुजफ्फरनगर में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। मुठभेड़ में 2 पशु चोरों की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल अस्पताल में भर्ती। राजनीति की भेंट चढ़ गया शिवाजी म्यूजियम। सीएम योगी ने नाम बदला। जनसभाओं में जिक्र भी करते। 6 साल बाद भी नहीं लग सकी एक भी ईंट। अयोध्या में जमीनी विवाद में संतों के बीच चली लाठियां। माधुरी कुंज और हनुमानगढ़ी के संतों के बीच हुआ विवाद। मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी। पहाड़ी भागों में हो रही वर्षा के बाद गंगा उफान पर है। औरैया में चेकिंग के दौरान बाइक चोर गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार। 2 चोरी की बाइक बरामद। कानपुर से लेकर कई जिलों में दर्ज हैं आपराधिक मुकदमे। देवरिया में अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले गिरोह का खुलासा। 2 आरोपियों को भेजा गया जेल। अन्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद। जौनपुर कोर्ट ने 27,000 का जुर्माना लगाया। स्कूल से लौटते समय किया था अपहरण। सोनभद्र में युवती का पहाड़ी में मिला शव। परिजनों ने प्रेमी पर जताई अपहरण कर हत्या की आशंका। 3 दिन से लापता थी। भदोही में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। युवक की मौत। हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर हुआ फरार। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।